डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन छात्र अपने कार्य को कराने के लिए आते हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं अपने ही कार्य को कराने के लिए जबकि छात्र जो है पहले ही विश्वविद्यालय को पैसा दे चुके होते हैं फीस के रूप में, लेकिन वहीं विश्वविद्यालय में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो विश्वविद्यालय में हर एक काम पे यहाँ तक कि 100, 200, 500 रुपये छात्रों से वसूलते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊंगा आपको कि उनका तरीका कुछ ऐसा है कि छात्र उनके चक्रव्यूह में फंस जाता है। छात्र को बताते हैं कि इसके काम के अंदर अभी काफ़ी समय लगेगा, या फिर चार्ट नहीं है, या फिर कई ऐसे कारण बता देते हैं जिसके चलते छात्र परेशान हो जाता है और आखिरकार उनसे ये बोल देता है कि जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगा। उसी चीज़ का फायदा उठाकर विश्वविद्यालय में कुछ लोग जो विश्वविद्यालय को बदनाम करने में लगे हुए हैं वो लोग मोटी रकम भी लेते हैं, साथ ही साथ 500-1000 रुपये भी लेते हैं, जैसा काम होता है उस हिसाब से पैसा लेते हैं। लेकिन वही मैं आपको बता दूं कि वो विश्वविद्यालय जो है 80 से 1 लाख रुपए तक ऐसे लोगों को तनख्वाह दे रहा है, तनख्वाह लेने के बाद भी विश्वविद्यालय में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब देखने का विषय कि जो विश्वविद्यालय की छवि सुधरने की ओर जा रही है और कुछ लोग इसमें बट्टा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या विश्वविद्यालय भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। लाइव एक्सेस के लिए हैदर अली की रिपोर्ट, आगरा।